नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर दिन शनिवार। यदि आप हरियाणा से हैं तो सबसे पहली गुजारिश आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की 25 वो भी फटाफट अंदाज की खबरों की ओर। किसान आंदोलन का 23वां दिन, किसान बोले पीएम हमसे बात करें तो कांग्रेस ने निशाना साधा। बोली मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी व्यापारी बन गई है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का 23वां दिन रहा। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनसे बात करनी चाहिए, कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने कहा कि मोदी दिल्ली की सभाओं पर बैठे किसानों की दरकिनार कर मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत का ढोंग रच रहे हैं। मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने हैं। यह सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा देने को आमदा हुई है। उधर कृषि मंत्री ने समझौते के सुर रखे, बोले अगर किसान हर क्लोज पर आपत्तियां समझा पाए तो कानून में बदलाव के बारे में सोचेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर पहली बार केंद्र सरकार के बयान में समझौते का इशारा मिला है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को कहा है कि मौजूदा संकट को दूर करने के लिए विरोध करने वाले संगठनों से औपचारिक बातचीत चल रही है। साल खत्म होने से पहले नतीजा निकलने की उम्मीद है। हालांकि संगठन कह रहे हैं कि उन्हें कानून को खत्म करने से कम कुछ मंजूर नहीं है। तोमर ने कहा कि अगर किसान अपनी हर क्लोज पर अपनी आपत्तियों के बारे में समझा पाए तो कानून में बदलाव पर विचार करेंगे। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की सभी वाजिब चिंताओं को दूर करने के लिए कमिटेड है। सरकार इसके लिए औपचारिक बातचीत फिर से करने को तैयार है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि उन लोगों से किसी भी पॉइंट पर बात नहीं होगी जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से गुमराह करने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा, कैंटर ने मारी ऑटो को टक्कर, 2 सगी बहनों समेत 6 लोगों की मौत। अंबाला में शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरे एक ऑटो रिक्शा को कैंटर ने टक्कर मार दी। इसके बाद ऑटो में सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल महिला ने चंडीगढ़ PGI ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। इसमें 2 महिलाएं आपस में सगी बहनें थी। उधर इस घटना के तुरंत बाद कैंटर का चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन वक्त रहते ही पीछा करके पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। नारायणगढ़ में एक ऑटो रिक्शा करीब 12:30 बजे निकटवर्ती गांव जोली जा रहा था। बरसू माजरा के पास पहुंचने के बाद दूसरी साइड से साडोरा से पंचकुला की तरफ जा रही एक कैंटर के साथ इसकी टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो चालक समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसने चंडीगढ़ PGI ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया था। हरियाणा के गृह मंत्री को ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर किया गया भर्ती। कोरोना के बाद निमोनिया होने से फेफड़ों में फैला संक्रमण। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की हालत अभी भी स्थिर है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मंत्री गुरुग्राम में सेक्टर 38 स्थित मेदांता मेडासिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। बुधवार को उन्हें प्लाज्मा दिया गया था, जिसके बाद असर दिखने का इंतजार है। मेदांता की डॉक्टर कटारिया की अगुवाई में CMO वीरेंद्र यादव समेत 5 डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। मंत्री विज की तकरीबन 4 से 5 दिन ICU में रखा जाएगा। मंगलवार व वीरवार को भी उनके टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट में निमोनिया के कारण फेफड़ों में संक्रमण मिला है। मेदांता के वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि मंत्री विज को कोविड निमोनिया हुआ है, इस वजह से उन्हें ICU में रखा गया है। बता दें कि 20 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उधर पंचतंत्र में विलीन हुए संत राम सिंह, बिलखते रहे अनुयायी। पंजाब के पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल समेत हजारों ने किए आखिरी दर्शन। किसान आंदोलन के समर्थन में सुसाइड नोट लिखकर खुद को गोली मारने वाले संत राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले बीते दिन पंजाब के पूर्व
उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल समेत 10,000 से ज्यादा लोगों ने संत राम सिंह के अंतिम दर्शन किए। उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव सिंघड़ा से 5 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। देश दुनिया के हजारों लोग इकट्ठा हुए। 65 वर्षीय राम सिंह करनाल जिले के गांव सिंघड़ा के रहने वाले थे। गांव में उनका डेरा था। वह खुद कई सिख संगठनों में अलग अलग पदों पर रह चुके थे। वही दुनिया के अलग अलग देशों में प्रवचन करने के लिए जाते थे। उन्हें हरियाणा पंजाब के अलावा दुनिया भर में लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। फतेहाबाद में पशुबाड़े में भीषण आग लगने से 10 से अधिक जानवरों की जलकर मौत। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया इलाके में ढाणी शेरगढ़ के पास शुक्रवार तड़के एक पशु भाड़े में भीषण आग लग गई। इस आग में 10 से ज्यादा जानवरों के जिंदा जलकर मर जाने की खबर है। वहीं कई जानवर बुरी तरह से घायल भी बताए गए हैं। आग लगने की खबर मिलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छप्पर के ऊपर लगी पराली के कारण आग की लपटें काफी विकराल थी। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, जिसकी गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 10 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी थी। बाड़े में करीब 65 जानवर थे, जिनमें भैंस, कटड़ा और कटड़ी शामिल हैं। उधर शीतलहर में बेअसर रही धूप, अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत की नहीं उम्मीद। पानीपत में 3 दिन बाद सुबह के समय सूर्यदेव के दर्शन हुए, लेकिन धूप भी अच्छी रही, लेकिन 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही शीतलहरों ने धूप को बेअसर कर दिया। इस सीजन में न्यूनतम तापमान अभी तक 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है और अगले 4 दिनों तक कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बर्फीली हवाओं से सर्दी का एहसास अधिक होगा। उधर 3 डिग्री सेल्सियस में भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। अब हाईवे की दूसरी लेन भी बंद करने की आशंका। अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर किसानों का हौसला, उनका आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भीषण सर्दी में भी किसान हाईवे पर डटे हुए हैं। खुला इलाका होने के चलते यहां ओस की बूंदे भी बर्फ में जम रही है। आलम यह कि ओस की बूंदे भी टेंट में टपकने लगी हैं। जबरदस्त सर्दी के बावजूद यहां किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1-2 दिन में बड़ी संख्या में किसानों के आंदोलन में पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में डर है कि किसान हाईवे की दूसरी लेन को बंद कर उस पर पड़ाव डाल सकते हैं। फिलहाल अभी हाईवे की एक लेन को किसानों ने बंद किया हुआ है। दरअसल किसानों को सबसे बड़ा आंदोलन हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है। अहम बात यह है कि शाहजहांपुर बॉर्डर के किसान आंदोलन की रूपरेखा सिंघू बॉर्डर से ही बन रही है। यही कारण है कि शाहजहांपुर बॉर्डर के किसान नेता लगातार सिंघू बॉर्डर पहुंचते रहते हैं, वहां से आगे की रणनीति पर चर्चा के बाद वापिस आते हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले में चौटाला की सजा पूरी होने को, अब शिक्षा विभाग के 48 ऑफिसर की पेंशन रोकी गई। जिस जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय सजा पूरी करने के करीब हैं, उसी मामले में आरोपी शिक्षा विभाग के 48 सेवानिवृत्त अधिकारियों पर सरकार ने अब कार्रवाई की है। ज्वाइंट डिप्टी व असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर प्रिंसिपल तक रहे इन अफसरों के विभाग ने अब पेंशन रोक दी है। इन सभी को 2013 में सजा सुनाए जाने के बाद नोटिस दिया गया था। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हो गई, लेकिन विभाग ने अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने इन सभी की पेंशन रोकने के आदेश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों की पेंशन रोकी है उनमें ज्यादातर जिला स्तरीय सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन व सदस्य थे। हरियाणा में किसान आंदोलन और निर्दलीय विधायकों की बैठक के बीच बृहस्पतिवार का दिन राजनीतिक रूप से खासा गर्म रहा। ठंडी हवा और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में चौटाला परिवार के 3 राजनीतिक दिग्गजों की मुलाकात राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा का विषय बन रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम के निवास पर हुई इस मुलाकात में दुष्यंत चौटाला, उनके पिता जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला शामिल हुए। इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि रणजीत एक फिर चौटाला परिवार में एकता की भूमिका तैयार करना चाहते हैं। रणजीत चौटाला रिश्ते में दुष्यंत चौटाला के दादा और अजय सिंह चौटाला के चाचा लगते हैं। रानिया से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए रणजीत चौटाला को भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार में जाट और निर्दलीय विधायकों के कोटे से बिजली व जेल मंत्री बनाया गया है। करीब 1 सप्ताह पहले दुष्यंत के निवास पर हुई मंत्री समूह की बैठक में भी हालांकि रणजीत चौटाला शामिल हुए थे, लेकिन बृहस्पतिवार की मुलाकात कुछ अलग और विशेष बताई जा रही है। किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह सांपला में कहा किसानों के साथ हूं।
बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन के समर्थन में दीनबंधु चौधरी छोटूराम संग्रहालय में धरना शुरू कर दिया है। धरना शाम तक चलेगा। छोटूराम विचार मंच द्वारा धरना देने का विचार वीरवार को लिया गया था। वीरेंद्र सिंह मंच के अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अब मैं किसानों की राजनीति करूंगा। उनके साथ जजपा विधायक जोगीराम सिहाग भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। किसान आंदोलन को दिया अपना समर्थन। जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैं शुरू से ही कृषि कानूनों के विरोध में हूं और किसान होगा वो इनका विरोध करेगा। सरकार से समर्थन लेने को लेकर मेरी पार्टी या दुष्यंत चौटाला क्या स्टैंड लेंगे उनका निजी मामला है, मगर कृषि कानूनों को लेकर मेरा स्टैंड साफ है कि मैं सरकार के साथ नहीं हूं। वीरेंद्र सिंह ने एमएसपी का कानून चौधरी छोटूराम ने बनाया था। उन्होंने कहा उस वक्त बनाया जब किसान पूरी तरह से हताश और निराश था। 1966-67 में गेहूं पर एमएसपी लागू हुआ। किसान इससे संपन्न हुआ। किसान आर्थिक स्थिति खराब होने के डर से आज आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसानों की मांगों के समाधान करने का है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का है। SYL के पानी को लाने की बात तो बाद की बात की जा सकती है। अब 50 साल में पानी नहीं आया तो कुछ और दिन इंतजार किया जा सकता है। SYL की मांग के लिए बीजेपी नेता एक दिन के अनशन पर। प्रदेश के किसानों के लिए सतलुज यमुना लिंक के पानी की मांग को लेकर बीजेपी ने झंडा बुलंद किया है। शनिवार को लघु सचिवालय के सामने राजीव चौकी पार्किंग में बीजेपी कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठेंगे। इस अनशन को ऐतिहासिक बनाने और किसानों की उनका हक का पानी दिलाने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठने की तैयारियों के सिलसिले में बैठक कर अंतिम रूप दिया है। इसके अलावा गार्गी कक्कड़ ने व्यापार मंडल और उद्योगपतियों से भी बैठक कर SYL के पानी की मांग तेज करने का आह्वान किया है। हरियाणा के पूर्व विधायक किसानों के समर्थन में उतरे, बैठक में किया बड़ा ऐलान। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के पूर्व विधायकों की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा भर से विभिन्न पार्टियों के पूर्व विधायकों ने शिरकत की। पूर्व विधायकों की इस बैठक में किसान आंदोलन पर खूब मंथन किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों का ये संगठन किसानों के साथ खड़ा है और खुले तौर पर उनको समर्थन करने के लिए धरने पर उनके बीच सोमवार को पहुंचेगा। पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार को अपना अड़ीला रवैया छोड़कर किसानों की मांग माननी चाहिए। पूर्व विधायकों की अहम बैठक में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर भी गहरी संवेदना व्यक्त की गई। नफीस सिंह राठी ने सरकार के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें किसान आंदोलन में असामाजिक लोगों की बातें कही जा रही है। उधर हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 749 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। अभी प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या 256,000 को पार कर गई है। फिलहाल एक्टिव केस है वो 6570 पर पहुंचे हैं। वहीं हरियाणा का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अब 96.34% पर पहुंचा है। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 256,457 पर पहुंचा है, तो वहीं पर ठीक होने वालों की संख्या 247,000 को पार कर गई है और पिछले 24 घंटों में 749 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। गुरुग्राम से 152 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फरीदाबाद से 130, सोनीपत से 34, हिसार से 39, अम्बाला से 45, करनाल से 23, पानीपत से 23, रोहतक से 28, रेवाड़ी से 28, पंचकुला से 38, कुरुक्षेत्र से 20, यमुनानगर से 22, सिरसा से 18, महेंद्रगढ़ से 15, भिवानी से 9, झज्जर से 18, पलवल से 12, फतेहाबाद से 24, कैथल से 12, जींद से 40, नूह से 7 और चरखी दादरी से 12 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल रिकवरी रेट के मामले में महेंद्रगढ़ सबसे आगे, जिसका रिकवरी रेट 98.42% है। वहीं पर पलवल भी 98.53% पर है और 97.33% नूह जिले का रिकवरी रेट है और 97% से ज़्यादा फरीदाबाद का रिकवरी रेट है वो पहुँच गया है। हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, नए साल से कर्मचारियों पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों व पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके लाभ नए साल से मिलने शुरू होंगे। मुख्यमंत्री ने एक बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलेस हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। सरकार इस योजना की शुरुआत नए साल से करने की तैयारी में है, जिसके अंतर्गत राज्य के 18 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। उधर गूगल पे ओपन करते ही एक धारक के खाते से कट गए 48,664 रुपये। कैथल के मायापुरी कॉलोनी निवासी राजेश कुमार ने सिविल लाइन पुलिस को शिकायत दी है। जिला जेल सोनीपत बॉर्डर पर तैनात है और उसने HDFC होम लोन कस्टमर केयर नंबर इंटरनेट से निकाला था। उनमें से उन नंबरों पर अपनी EMI स्टॉप कराने के बारे में बात की थी। उधर व्यक्ति ने गूगल पे या फोन पे ओपन करने के लिए कहा। गूगल पे पर खाता खुलवाते ही उसके खाते से हजारों रुपए कट गए और SHO
गुरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पानीपत में बड़ी कार्रवाई, एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। पानीपत के सिविल हॉस्पिटल की 3री मंजिल से आइसोलेशन वार्ड की खिड़की खोलकर हत्या आरोपित कोरोना संक्रमित फिरदौस के भागने के मामले में पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। वार्ड के बाहर तैनात एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। गौर रहे कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर समाने हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव निकला। उसे समाने हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कराया गया था, लेकिन 14 दिसंबर की रात 2:30 बजे करीब फिरदौस पहले अपने ग्लूकोज स्टैंड के कुंडे से हथकड़ी तोड़ी और फिर कंबल की 2 रस्सी बनाकर उसके सारे नीचे उतरकर फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश में 3 टीमें बनाई है, अभी तक पकड़ने में नाकाम है। वहीं वार्ड के बाहर ड्यूटी पर तैनात एसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की गई है। उधर अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, बोले बीजेपी सरकार को एसवाईएल नहर बनाने से कोई नहीं रोक रहा। INLD के प्रधान महासचिव व विधायक अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एसवाईएल पर दिए गए बयान की जो एसवाईएल का पानी नहीं वो हरियाणा का नहीं हो सकता पर कहा है कि एसवाईएल हरियाणा की जीवन रेखा है। इस पर दिया गया बयान इनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। नीलो नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार को एसवाईएल नहर बनाने से कोई नहीं रोक रहा, केंद्र में इन्हीं की सरकार है। बीजेपी नेताओं को ऐसे बेतुके बयान देने के बजाय तुरंत केंद्र की किसी एजेंसी को एसवाईएल नहर बनाने के लिए नियुक्त करना चाहिए। अभय ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीति और नियत में हमेशा खोट रहा है, इसका जीवंत उदाहरण एसवाईएल का पर दिया गया बयान है। एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद यही भाजपा एसवाईएल के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जानबूझकर कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमने एसवाईएल बनाने की मांग उठाई थी, ये लोग यही कहकर टालते रहे कि मामला कोर्ट में है। उधर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने फिर एक बड़ा बयान दिया, बोले कांग्रेस धर्म और मोदी सरकार अधर्म की राजनीति कर रही है। कांग्रेस धर्म की राजनीति कर रही है इसलिए किसानों का समर्थन कर रही है, जबकि मोदी सरकार अधर्म की राजनीति कर रही है इसलिए किसानों के विरोध में तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है। ये कहना कांग्रेस के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का है। शैलजा ने कहा कि 22 दिन से जारी किसान आंदोलन में अभी तक 40 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार का तानाशाह रवैया उनके हार तो ठंडे न तो बैठे किसान दिखाई दे रहे हैं, न ही उनकी मार्मिक आवाज सुनाई दे रही है। शैलजा ने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपति और धनाढ्य लोगों के मुनाफे के बारे में ज्यादा सोच रही है, उन्हें किसान और मजदूर की मजबूरी की आह सुनाई नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। हरियाणा में इस सीजन की भीषण सर्दी, शिमला से ठंडा रहा नारनौल। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 दिन शीतलहर का प्रकोप रह सकता है, रात का पारा 2-3 डिग्री कम हो सकता है। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का कहर लगातार जारी है, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर गुरुवार को प्रदेश में इस सीजन की सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी थी। 5 दिन से चल रही शीतलहर से सर्दी बढ़ी है, जहां पर हिमाचल के शिमला में भी अब ज़्यादा ठंड जो सबसे ज़्यादा है हिमाचल के शिमला से भी वो है नारनौल। यहाँ रात का भी पारा 2.6 डिग्री पर आ गया है, जबकि शिमला में 2.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने 18-19 और ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन में शीतलहर सताएगी, रात में पाला जम सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सेहत को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अपील की है कि वे सेहत के प्रति एहतियात बरतें, ज़्यादा जरूरत पर ही घर से बाहर निकले। उधर 21 दिसंबर तक ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने का आसार नहीं है, दिन का तापमान स्थिर बना रहेगा जबकि रात के तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। हरियाणा में एसटेट परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी, इस बार 261,299 भावी अध्यापक देंगे एग्जाम। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में इस बार 2,00,000 से भी ज़्यादा जो भावी अध्यापक हैं वो हिस्सा लेंगे। शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि 2 जनवरी को शाम में 3 लेवल की परीक्षा होगी, वहीं 3 जनवरी को लेवल 1 लेवल 2 की परीक्षा होगी। एसटेट परीक्षा के लिए 23 दिसंबर से ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होंगे। लेवल 1 में 73,000 से ज़्यादा, लेवल 2 में 1,00,000 से ज़्यादा, लेवल 3 में 82,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। लेवल 1 के 259, लेवल 2 में 351, लेवल 3 के 279 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा निगरानी रखने के लिए 170 फ्लाइंग टीमें भी बनाई गई हैं। कोरोना काल में इस परीक्षा कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हर साल हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेता है। कोरोना काल के चलते ये परीक्षा नवंबर के बजाय 2 और 3 जनवरी को होगी। 23 दिसंबर से एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होंगे। इन एडमिट कार्ड पर परीक्षा की तारीख, समय और महामारी से बचाव की सावधानियां भी अंकित रहेगी। उधर जब तक किसान आंदोलन खत्म नहीं होता, हरियाणा से दिल्ली
नहीं जाएगी रोडवेज की बसें। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जब तक देश और प्रदेश में आंदोलन होते हैं सबसे ज्यादा असर परिवहन सेवा पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जयपुर और चंडीगढ़ से जयपुर जाने वाली वॉल्वो बसों को बंद रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली जाने वाली सभी रोडवेज बसों को भी बंद रखा गया है। जब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता हरियाणा से बसें दिल्ली नहीं जाएगी। उधर अजीत सिंह चौटाला का भी बड़ा बयान, बोले सरकार ने किसानों की सभी मांगे माननी है, कृषि कानून रद्द नहीं हो सकते। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी नेता अजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। सरकार ने किसानों को संशोधन के लिए प्रस्ताव भी दिया है। अब गेंद किसानों के पाले में है। अजीत चौटाला ने कहा कि कानून रद्द नहीं हो सकते लेकिन संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंबाला में बीजेपी जेजेपी की संयुक्त उम्मीदवार वंदना शर्मा मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही है। जीत गठबंधन उम्मीदवार की होगी। निकाय चुनाव का बहिष्कार करने पर अजय चौटाला ने तंज कसा इनेलो पर। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला के पास अगर कोई होगा तो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनाव बहिष्कार नहीं होते, अगर वो चुनाव लड़ते तो उन्हें जमीनी हकीकत मालूम पड़ जाती। फिलहाल हरियाणा की 25 फटाफट बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल करें, इस सर्दी में अपने छोटे बच्चों और पूरे परिवार का ख्याल रखें। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, लाइक जरूर किया करें, अपनी राय भी जरूर रखा करें। आप सबका दिन